बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNTV HD24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। बहुत बड़ा एक वाकया लाहौर में पेश आया। जहांगीर खान तरीन, जो कि सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि अब तो वो अपनी पार्टी बनाने भी जा रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं, उसकी बहुत सारी जो मामलात हैं उसको देख रहे हैं, और वो अपनी पार्टी के अजलास में यानी ये मौजूद थे, IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अजलास में वो मौजूद थे, और वहाँ उनको ये इतला मिली कि उनके बड़े भाई आलमगीर खान तरीन, जिनकी वफात हुई है, ख़ुदकुशी भी कहा जा रहा है, किस तरह हुई है, और ये बहुत बड़े शख्स की मौत, बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं जिनका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। नाज़रीन, वो मैं सारे के सारे आपके सामने रखता हूँ। मैं दोबारा आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, जितने आप दोस्त नए आए हैं हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, नॉर्मली अगर कोई बेरोज़गार तंग दस्त कोई इस तरह का शख्स खुदा ना खास्ता इस तरह की मौत उसकी वाकया हो जाए, तो हमारे पास बहुत सादा से सवाल होते हैं, पुलिस के पास होते हैं, हुकूमत के पास होते हैं, बेरोज़गार था, तंग दस्त था, उसकी मौत हो गई, और आलमगीर खान तरीन जो हैं वो पहली बात शादीशुदा नहीं थे, यानी बीवियों के घरेलू मसाइल का भी हमारी पुलिस जो है वो कह देती है, वो जी घरेलू मसाइल की वजह से वो शख्स खुदकुशी कर गया। आलमगीर खान के घरेलू मसाइल नहीं थे, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे, 62-63 साल उनकी उम्र थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मुख्तलिफ किस्म के उनके बिजनेस थे, मुल्तान सुल्तान के वो मालिक भी थे, जो 2-3 साल से ये जो टीम बनी थी मुल्तान सुल्तान के हवाले से, और बड़ी अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है 2-3 बार। नाज़रीन, मरूफ बिजनेसमैन, यानी बहुत सारे काम शमीम एंड को, यानी कंपनी को इस तरह, वो भी कोई कंपनी थी किसी खातून के नाम पे, मतलब मुझे नहीं पता कि उनकी कोई फैमिली की खातून थी या जिस तरह भी हो, बहरहाल खेलों के बड़े शौकीन थे, यानी ये मुल्तान सुल्तान से हटके भी जो हमें मतलब खबर मिली कि वो जो लोग खेलों के शौक रखने वाले होते उनकी सपोर्ट भी किया करते। अब तक नाज़रीन, जहां आलमगीर खान तरीन के हवाले से किसी ने सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव बात नहीं की, खुदा ना खास्ता जिस तरह के हम ज़ाती तौर पर ही टेवे लगाना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है इसके ऊपर नाउज़ बिल्ला अल्लाह का अज़ाब आ गया, इसके साथ यूँ हो गया, इसने यूँ जुल्म किया, इसके साथ यूँ हो गया, हालांकि मैं इस तरह की बात नहीं करता। किसी भी बुरा वक़्त जब किसी शख्स पे आता है तो मैं ये नहीं कभी भी कहता कि इसके साथ अल्लाह नाराज़ है या अल्लाह का गज़ब है, नाउज़ बिल्ला फ़लाँ फ़लाँ, क्योंकि ऐसी बात कबल अज़ वक़्त करना किसी के बारे में ये तो दुरुस्त ही नहीं है। लेकिन आलमगीर खान तरीन जो हैं उनके बारे तो हम बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पर जानते भी नहीं हैं। बहरहाल मैं 2-3 सवाल आपके सामने जो असल में जो खड़े हुए हैं, जो लोग सवाल जानना चाहते हैं। नाज़रीन, पानी का जो साफ़ करने का प्लांट था, कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्लांट था उसके भी आलमगीर खान तरीन ओनर थे, मालिक थे, पेप्सी के हवाले से या कोक के हवाले से जो बेवरेज कंपनी थी वहाँ जनूबी पंजाब के हवाले से उसके भी मालिक थे। नाज़रीन, इनकी मौत आज मौरखा 6 जुलाई 2023 दिन जुमेरात आज हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर भरमार मची हुई है, बहुत सारे चैनल्स इसके ऊपर स्टोरी कर रहे हैं। जो इनके बारे में ज़ाती सवालात हैं कि गुलबर्ग लाहौर में एक अपार्टमेंट था, मे बी इनका अपना ही हो या रेंट पे, ये मुझे नहीं खैर इलम, उसमें मौजूद थे, अकेले रहते थे, सुबह ड्राइवर ने नॉक किया तो अंदर से यानी कोई आवाज़ नहीं आई, या फिर उस तरह पता चला कि वो खुदकुशी की है। उन्होंने इनके छोटे भाई जहांगीर खान तरीन को इतला दी, वो ओन चौधरी के साथ वहाँ मौजूद, मतलब जो अपनी पार्टी की मीटिंग में मौजूद थे वो आए, इस तरह करके नाज़रीन इसकी जो बात है आगे बढ़ी। लेकिन आलमगीर खान तरीन जो हैं उन्होंने जब ये उनकी मौत का ये वाकया सारा देखा गया, कमरे के हवाले से शवाहद लिए पुलिस ने, तो इब्तदाई तौर पर जो हमें खबर मिली है मुबैना तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, खुदा न खास्ता ये कत्ल भी हो सकता है, लेकिन अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ से एक पिस्टल, एक गोली या गोली का खोल मिला, यानी इम्कानात यही हैं कि उन्होंने दाएं तरफ अपने कनपट्टी के ऊपर रखकर खुद पिस्टल से फायर किया है। 2-3 चीज़ें बीमारी के हवाले से,
वो कहते हैं कि मैं कीनिया या इसी तरह श्रीलंका गया, किसी दूसरे मुल्क गए, तो वहाँ से मैं आया तो मुझे 4-5 किस्म की बीमारियों का उन्होंने एक लेटर, अच्छा नाज़रीन 2 लेटर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, एक इंग्लिश में लेटर लिखा उन्होंने जिसमें कहते हैं कि कुछ यूँ लिखा हुआ है कि वो आँखों की बीमारी, उन्होंने कहा जी मुझे है, जिल्द के हवाले से मुझे कोई मसला है, बैक यानी बैक बोन के हवाले से मे भी कोई मसला है, या इस तरह करके उन्होंने कोई 3-4-5 किस्म की बीमारियों का जिक्र किया कि नींद भी मुझे रात को नहीं आती, मे भी उनको कोई परेशानी होगी खुदा न खास्ता, लेकिन हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने बड़े बिजनेसमैन कारोबारी बंदे को कोई माली परेशानी तो हो नहीं सकती। वैसे भी उनका कोई मतलब सियासत में बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं था, मे भी कोई पीछे से हो जहांगीर खान तरीन साहब के या कोई वैसे, तो ऐसा कोई उनके ऊपर दबाव भी नहीं हो सकता। लेकिन नाज़रीन जो मेन चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिरकार हर बंदे के जहन में ये सवाल तो उठता है ना कि आलमगीर खान तरीन ने खुदकुशी क्यों की, क्यों हराम मौत वो दुनिया से गए। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है उनका कत्ल या कोई इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो हम इस बात के ऊपर माजरत ख्वाह होंगे जो हम कर रहे हैं कि नाज़रीन हम ये समझ चुके हैं या समझ सकते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। सुकून इंसान की ज़िंदगी में, जो सुकून है, जो दिल का इत्मीनान है, जो इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ जिससे इंसान खुश व खुर्रम ज़िंदा रह सकता है, हम इस पे यकीन रखें फिर कि ये अल्लाह के पास है। ये पैसे में नहीं है, ये बहुत बड़े कारोबार में नहीं है, ये बहुत बड़े बिजनेस में नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनियां चलाने में नहीं है, ये बहुत बड़ी तफरीहात में नहीं है, ये बहुत बड़े मुल्कों बहुत सारे मुल्कों की सैर सपाटों में नहीं है, ये हलाल में हो सकती है। लेकिन हम उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करते, आप भी कोई नेगेटिव ना सोचें, अभी तक कोई नेगेटिव सवाल कोई नेगेटिव बात उनके सामने उनके हवाले से सामने नहीं आई कि खुदा ना खास्ता वो कोई गलत काम करते थे, जालिम थे, फलां फलां, कोई इस तरह की चीज़ अभी तक आलमगीर खान तरीन के हवाले से नहीं आई। वैसे भी वो दुनिया से जा चुके हैं क्योंकि वो कोई आम तौर पर मतलब को ऐसे सोशल आदमी नहीं थे, यानी कोई सियासी आदमी नहीं थे जिनकी ज़िंदगी से ज़िंदगी के ऊपर हम कोई तनकीदी सवाल करें या बात करें, क्योंकि जो सियासतदान होता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होने के नाते दुनिया उनकी ज़ात पे उनके किरदार पे बात करती है। तो हम इसलिए आलमगीर खान तरीन साहब के किरदार पर उनकी ज़ात पर किसी किस्म की बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने आवाम को कि इस तरह की अमवात या बड़े किसी शख्स की खुदकुशी की मौत या कोई इस तरह की मौत हो तो उसके ऊपर ज़रूर सोचा करें कि हम मतलब किस तरह अपने ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं हलाल के ज़रिए, अपनी जो मामूल की हमारा एक काम है, बिज़नेस है, रोटी रोज़ी रोटी है, किस तरह क्यों इतना पैसा कमा के भी लोग हराम मौत की तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये बहुत बड़े सवालात हैं, आप भी इनका हल देखें। एक लेटर तो मैंने कहा कि जिसमें उन्होंने बीमारियों का जिक्र किया है, बिलखसूस ये बताया जा रहा है कि ये इंग्लिश में है। दूसरा खत एक सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटे से पेपर पे गर्दिश कर रहा है जो कि पूरा पेज भी नहीं है, कि उन्होंने कुछ जजेस के बारे में लिखा है, कुछ इमरान खान साहब के बारे में लिखा है कि यही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, फलां फलां इस तरह की बातें। बहरहाल ये सोशल मीडिया की बातें, अभी तक जो उनकी मौत सामने आई है वो खुदा न खास्ता यही आई है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद किया है। बहरहाल ये अफसोसनाक बात है। मज़ीद अपडेट के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।